और कितना गिरेंगे आप? अपने पापों की सजा से बचने के लिए आपने बच्चे का इस्तेमाल किया। ये चाले चल के आप कानून की सजा से बच सकते हैं, पर अपने कर्मों की सजा से नहीं बचेंगे। तुम हमसे ऐसे बात नहीं कर सकती। हम तुम्हारे पति। मैं जैसे चाहूं वैसे बात कर सकती हूं। अब जैसा सवाल वैसा जवाब मिलेगा आपको। गंगा प्रसाद की जान है फिर से खतरे में। ठकुराइन मारेगी क्या गंगा प्रसाद को? शो की कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो ठकुराइन है एक पंडित के पास भी जाती है और गंगा प्रसाद के बारे में पूछती है। पंडित साहब कह देते हैं गंगा प्रसाद मर चुका है, जहाँ पर ठकुराइन खुश हो जाती है। आज मैं भगवान को साक्षी मानकर गंगा जल अपने हाथ में लेकर प्रतिज्ञा करती हूँ, आज से आपका मुझ पर कोई हक नहीं होगा, मुझ पर कोई हक नहीं होगा। भगवान के सामने मैं अपने रिश्ते का पिंडदान करती हूँ, पिंडदान करती हूँ, पिंडदान। लेकिन वो मर के भी नहीं मरेगा, उसका कुछ ऐसा करिश्मा होने वाला है। अब यहाँ पर ठाकुराइन को जो है वहम हो जाता है कि गंगा प्रसाद यानी कि मरा ही नहीं है। दूसरी तरफ गंगा प्रसाद अग्नि बनने का नाटक कर रहा है, सबको ये बता रहा है कि मैं गंगा प्रसाद नहीं बल्कि मैं तो अग्नि हूँ। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं वो किसी दबाव में ही आकर ऐसा कर रहा है। तो यहाँ पर जो है डोरी को भी विश्वास नहीं होता कि वो उसके बाबा नहीं है, वो तो उन्हें अभी बाबा बाबा कहकर ही पुकार रही है। दूसरी तरफ आने वाले एपिसोड में गंगा प्रसाद और डोरी के बीच में हम कुश्ती लड़ते हुए देखेंगे, जहां पर ये दोनों बाप बेटे एक दूसरे से लड़ रहे होंगे। इतने में ठकुराइन भी वहां पर आएगी भेष बदलकर और यहाँ पर वो गंगा प्रसाद को फिर से करेगी मारने की कोशिश। लेकिन जिसे पंडित जी ही कह चुके हैं कि ये मर के भी नहीं मरेगा, तो ऐसे में ठकुराइन भी कितनी भी कोशिश कर ले यहाँ पर गंगा प्रसाद मरने नहीं वाला। और वैसे भी यहाँ पर जो है गंगा प्रसाद की पहचान फिलहाल अग्नि से चल रही है। क्या ये आनंद का प्लान है या फिर आनंद इन सब चीजों से बेखबर है, ये सब तो खैर आने वाले एपिसोड में ही पता लगेगा। लेकिन जब डोरी को ये बात पता चलेगी कि मेरे बाबा मरे नहीं बल्कि जिंदा है, तो डोरी को भी ये जानकर होगी बहुत खुशी। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।